नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया पेज। इस बार का बजट बहुत कुछ खास लेकर आ सकता है। अगले 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करने वाली हैं। वैसे उनकी प्रोफाइल को अगर आप देखेंगे तो उनका इतिहास लोक लुभावन बजट पेश करने का नहीं रहा है, लेकिन इस बार वो ऐसा कर सकती हैं। दरअसल इकोनॉमी और जो अर्थव्यवस्था है और जो इलेक्शन है उसके बीच में एक सामंजस्य रखने की कोशिश, संतुलित रखने की कोशिश की जा सकती है। और उनके सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती भी है कि जो महंगाई को बढ़ावा ना दे, महंगाई को ऊंचाई ना दे, हवा ना दे, और जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार भी बढ़ाए, यानी कि लोगों की जेब पर भी असर ना हो। इस साल हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव है, इस बात को लेकर रखना होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इनके सामने हैं। और लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो इस बार बड़ा ही संतुलित बजट की आशा हम कर सकते हैं। और झटका तो लगा ही है, लेकिन इस बार वो मध्यम वर्ग के लिए एक फ्रेंडली बजट पेश कर सकती हैं। इस साल जो चुनाव हैं उन पर भी विशेष नज़र है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सभी पर इस बार विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा। टैक्स स्लैब को लेकर के भी कुछ बातें हो सकती हैं। और आम लोगों को राहत कैसे दी जाए, कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, कैसे उनकी जेब पर कम बोझ हो, इन सभी पर फोकस की खबरें भी आ रही हैं। और न्यू टैक्स रिजिम में जैसा कि हमने कहा कि कुछ बदलाव करके या फिर डायरेक्ट तरीके से सरकार इसे ऐसे इसमें उपाय जोड़ सकती है जिससे कि लोगों के हाथ में जो खर्च करने लायक जो रकम है, यानी वो खर्च करें, कुछ खरीद पाएँ या फिर अपनी जो सुविधाओं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जो आशा है कि 45 लाख के बजाय 65 लाख रुपए तक के जो मकान है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े बेनिफिट को और इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना में कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार जो है वो ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें आवास योजना, मनरेगा संबंधित योजना, सड़क निर्माण और जो डेवलपमेंट के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ज़्यादा आवंटन इसमें हो सकता है, इसमें राशि ज़्यादा आवंटित कर सकती है। और करीब 46% लोगों को रोज़गार देने वाली एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसे किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकें, इस पर भी बेहतर तरीके से अहमियत सरकार देने वाली है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो ग्रामीण इलाकों में झटका लगा था उससे उबरने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो आशा यह है कि ईज़ ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने की दिशा में इस बार का बजट कारगर साबित होगा।